हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजीएस कलनरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भगवान गणपति को भोग में लगाए जाने वाले मोदक की रेसिपी। और ये मोदक मैंने यहाँ पर मावे और सूजी के बनाए हैं, ये बहुत ही यमी होते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। मावा और सूजी के मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप सूजी, 1 कप मावा, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ये शुगर लिए हैं, मिल्क लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में अब मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ। घी हमारा जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला है। घी मेल्ट हो चुका है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो सूजी ली थी मैंने वो यहाँ पर उसको भून लूँगी। तो सूजी को मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसे बहुत ही अच्छे से भून लूँगी। इसका कलर चेंज नहीं करना है मुझे, तो इसे धीमी आंच पे मैंने खुशबू आने तक का भून लिया है। यहाँ पर मैंने बहुत बारीक वाली सूजी ली है तो ये बहुत जल्दी ही हो जाती है। और यहाँ पर मैंने फिर 1 गिलास जो दूध लिया था वो डाला है। दूध डालने के बाद में इसे मैं अच्छे से यहाँ पर मिला लूँगी और इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसे अच्छे से सारे लम्स को रिलीज़ कर देना है। जो दूध हमने पहले डाला था उससे सूजी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर शुगर डाल दिया है और उसके साथ में मैंने जो आधा बचा के दूध रखा था वो डाल दिया है। इससे हमारा ये जो सूजी है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और शुगर भी मेल्ट करने में हेल्प करेगा ये दूध। और इसे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमें भून लेना है, एकदम ये ड्राई हो जाएगा अभी। और इसी समय मैं इसमें मावा भी ऐड कर दे रही हूँ, तो ये मावा, शुगर और जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से ये भुन जाएगी। और भुनने के बाद में इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और अगर आप इसे फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर भून लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम हलवे जैसा हो गया। और ये स्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा। और इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी भी डालूंगी और फिर उसके बाद में इसे निकाल कर एक प्लेट में और अच्छे से ठंडा कर लेना है। लास्ट में जो हमने यहाँ ड्राई फ्रूट लिए थे वो भी हमने यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप अगर कुछ और ड्राई फ्रूट में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिया था। मिक्सचर को प्लेट में निकाल कर अच्छे से ठंडा करने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ पर, और ये करीब 10-15 मिनट में भी ठंडा हो जाएगा। और इस तरीके से जब ये बॉल बनने लगेगा तब हमारा ये मोदक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हमारा यहाँ पर ये ठंडा भी हो चुका है और हमने ये सारा एक साथ कलेक्ट कर लिया है और इसका एक बिल्कुल आटे के जैसा एक डो तैयार कर लिया है। सूजी मावे का आटा बनकर हमारे यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने मोल्ड लिया है। ये मोल्ड बहुत ही आसानी से मिल जाता है मोदक का, जब गणपति आने वाला होता है तो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इस तरीके से दोनों साइड मैंने थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लेकर और लगा दिया है मोल्ड के अंदर। और अब मोल्ड को अच्छे से दबाते हुए प्रेस करना है और ये जो दो साइड में इसके हुक निकले हैं उसके बीच में इस तरीके से प्रेस करना है और जितना एक्सेस है वो सारा रिमूव कर देना है, जिससे हमारा मोदक का शेप बहुत अच्छा आएगा। ये जितना एक्सेस मटेरियल है नीचे से साइड में सब हटा देना है। और ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे मोदक बनाने लेने वाली हूँ। आपको एक मोदक मैं हाथ से भी बनाकर दिखाती हूँ, इनकेस आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप मोदक को हाथ से कैसे बनाएं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बॉल ले लिए, एक लोई ली है आटे की और उससे बॉल शेप का करके, और जैसा मोदक का शेप होता है एक लट्टू का शेप, उस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बना लिया है। मोदक की लाइंस बनाने के लिए मैंने एक स्पून का लिया है, जो पीछे का साइड होता है स्पून का, उससे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना दी है। और ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी लाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा यहाँ मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है मोदक के शेप का। फ्रेंड्स, ठीक इसी तरीके से मैं मोल्ड से सारे मोदक यहाँ पर बना लूँगी। और मोदक बनाने के बाद में उसे मैंने यहाँ पर रोज़ पेटल से डेकोरेट किया है। और यहाँ पर जो ये बड़े मोदक बनाए हैं मैंने, तो 7 मोदक बने हैं। आप छोटे मोदक बनाएंगे तो इतने मटेरियल से आप 11 मोदक बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा के भोग की ये जो मोदक की रेसिपी है, ये आप अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।